आज नागपुर में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आए थे, जिन्होंने अमृतकाल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वक्त उन्होंने केंद्र सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में अच्छा काम करी है। पिछले 9 सालों से GDP को बढ़ने के लिए सरकार काम करी है। वही उन्होंने हाल ही में उद्घाटन किए अटल सेतु के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अटल सेतु की वजह से लोगों को जीवन में सुधार होगा, उनका वक्त बचेगा, साथ ही ईंधन की भी बचत होगी। उसको एक्सपांड करके हम लोग GDP की ग्रोथ कर सकते हैं। तो देश में जब 11 करोड़ शौचालय बनते हैं तो केवल उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, 11 करोड़ शौचालय बनाने के लिए हमारी अलग अलग 32 टाइप्स की इंडस्ट्री को काम मिलता है, उसमें डिमांड क्रिएट होती है और उसके कारण देश का GDP ग्रोथ भी होता है। जब 5 करोड़ मकान बनते हैं तो केवल मकान नहीं बनते, उन मकानों के माध्यम से डिमांड क्रिएट होती है, जिसमें से रोजगार क्रिएट होता है, जिसमें से लोगों के पास पैसा आता है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, तो उसमें से उनकी भी ग्रोथ होती है और देश के GDP की भी ग्रोथ होती है। तो GDP ग्रोथ का एक नया फॉर्मूला गरीब के विकास से, गांव के विकास से, जो सामान्य आदमी है उसके विकास से मोदी जी ने तैयार किया। और इसका परिणाम क्या है, तो पिछले 9 सालों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, जो गरीबी रेखा के नीचे थे 25 करोड़। और ये छोटा आंकड़ा नहीं है, दुनिया के इतिहास में, अरे भाई 25 करोड़, जापान 12 करोड़ का देश ही 12 करोड़ का है और कई यूरोपियन कंट्रीज तो 2 करोड़ की है, अमेरिका 30 करोड़ का है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया ये गढ़चिरौली बन रहा है। भारत किस तेजी से काम करता है, अभी अभी हम लोगों ने अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये अटल सेतु 22 किलोमीटर का सी ब्रिज है, ये देश का सबसे लंबा सेतु है। जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय हमने इसकी शुरुआत की थी और कोविड का काल छोड़ दे तो मात्र 4.5 वर्षों में हमने अटल सेतु का काम पूरा कर दिया। और 22 किलोमीटर का सी ब्रिज बनने से लोगों को जो 60 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था उसकी जगह 22 किलोमीटर में वो जाते हैं, 2.5 घंटे लगते थे, अब 22 किलोमीटर पार करने को 15 मिनट लगते हैं। तो लोगों का पैसा भी बचा, श्रम भी बचा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरी। हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि देश में मेट्रो का इतना नेटवर्क तैयार होगा। आज देखिए, नागपुर हो, मुंबई हो, पुणे हो, देश के कोने कोने में मोदी जी ने मेट्रो का नेटवर्क पहुंचाया। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिला और वो भी ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, पोल्यूशन फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला। आज सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, अभी अभी KDI जी से मैं बात कर रहा था, वो EV में 3-व्हीलर बनाते हैं। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज तैयार हुई, बड़े पैमाने पर हमारा सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में परिवर्तित हो रहा है। तो ये नया भारत जो है इसमें नई संभावनाएं तैयार हो रही है। अभी अभी हमने AI के एल्गोरिदम का एक यहां पर उद्घाटन किया। अभी आने वाले जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत सारी चीजें बदलने वाला है। मैं 3 साल पहले एक एनालिसिस पढ़ रहा था, उस एनालिसिस में लिखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 23 करोड़ जॉब्स को ऑब्सोलीट करेगा। पढ़ के मैं डर गया, मैंने कहा ये तो बड़ा खराब है, 23 करोड़ जॉब्स ऑब्सोलीट हो गए तो दुनिया में क्या होगा। लेकिन उसमें अगला वाक्य था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण 25 करोड़ नए जॉब्स तैयार।